गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ऑफ ग्रेविटेशन, हमने हमारे पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशन की पहली शीट पूरी फिनिश कर दी थी और अब मैं डीपीएस नंबर 2 डिस्कस करा रहा हूं। इसमें मेरे पास जो डाउट्स आए हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 3, 4th, 5th, 9th, 10th and 12th. The sheet contain 16 problems and out of them we'll be discussing seven problems in the class right now. जैसे जैसे मैं problem को पढ़ रहा हूँ, आप भी simultaneously पढ़ते जाइए। यदि आपसे हो भी गए हैं तब भी बड़े ध्यान से पढ़िए और problem को solve करने के तरीके को समझिए। First problem मैं इसी order में solve करूंगा जिस order में board पर लिखा हुआ है। First problem, एक फिगर उनने दे रखा है कुछ इस तरह से, यह फिगर बना हुआ दिख रहा है मुझको। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड इनसाइड अ हॉलो थिन स्फेरिकल शेल ऑफ मास m रेडियस r। यह सॉलिड स्फीयर है और यह थिन हॉलो शेल है। As shown in figure, the particle of mass m dash is placed on the line joining the two centers. This is the line joining the two centers. और इस पर कोई पार्टिकल जिसका कि मास m dash है वह रखा जा रहा है। At the line joining the two centers, the distance x from the point of contact of the sphere. This is the point of contact c. और इससे किसी डिस्टेंस x पर वह पार्टिकल रखा जा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू स्फीयर इन द शेल। इफ केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन r एंड लेस देन 2r। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन of the particle. उस पार्टिकल की लोकेशन को समझने की कोशिश करें। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से वह x की दूरी पर है और वह x इट्स ग्रेटर देन r एंड लेस देन 2r। इट मीन्स वह पार्टिकल कहीं इधर है। दिस इज p1। वह पार्टिकल कहीं इस जगह पर है। अब और इस पार्टिकल पर उनने पूछा हुआ है, इसका सेंटर कहीं इधर है, इसका सेंटर कहीं इधर है। अब इस सिचुएशन में हम कहेंगे दिस पार्टिकल हुज मास इज एम डैश लाय विद इन दिस शेल, वह इस शेल के अंदर है, थिन हॉलो शेल के अंदर, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है। इस शेल के अंदर कोई सा भी मास एम डैश रखा गया है तो इस शेल की वजह से उस पर फोर्स जीरो होगा। हम कहते हैं इस पॉइंट पी वन पर जो मास एम डैश रखा हुआ है उस पर इस शेल की वजह से कोई फोर्स नहीं होगा, उस पर फोर्स होगा सिर्फ इस सॉलिड स्फीयर की वजह से। अब इस सॉलिड स्फीयर की वजह से भी बात सोचिए जरा कि क्या पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से फोर्स होएगा? नहीं। मैं कलर चेंज करूंगा बात को समझाने के लिए। मैं कहता हूं इस जगह पर पॉइंट P1 के अंदर यह जो मास होगा इसकी वजह से फोर्स होगा। अब यह जो अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर यह जो मास होगा कितना होगा, इसी समय हम इसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस होगा इधर से यह दूरी x है, x माइनस स्मॉल r। दिस इज द रेडियस। इस रेडियस के अंदर जो भी मास है उसकी वजह से
इस पॉइंट P1 पर फोर्स होगा। वह मास कितना है जरा हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उस मास को मैं m नॉट लिखता हूं एंड दैट वुड बी m अपॉन 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। यह तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ इनटू 4 बाय 3 पाई x माइनस आर होल क्यूब। 4 बाय 3 पाई कैंसिल और यह जो मास m नॉट अब मुझे दिखने लगता है दैट इज m इंटू एक्स माइनस आर होल क्यूब अपॉन आर क्यूब। दिस इज द मास m नॉट जो इस पॉइंट P1 के अंदर है जिसकी वजह से P1 पर रखा हुआ जो मास m डैश है उस पर फोर्स लगेगा। इसके अलावा हम कहते हैं इस शेल की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस पॉइंट P1 के बाहर सॉलिड स्फीयर का जो भी मास है उसकी वजह से भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगेगा तो सिर्फ इस मास m नॉट की वजह से। उस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड होगा। अब मैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं जी m नॉट m डैश अपॉन x माइनस r होल स्क्वायर। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं f इक्वल टू g m नॉट की जगह पर m x माइनस r होल क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू m डैश अपॉन x माइनस r होल स्क्वायर एंड this force expressions come out to be gm m dash by r cube into x minus r. This is the magnitude of the force and direction of the force. I had already indicated it. This is a part of the problem. Problem mein teen part hai. Ab hum b part solve karte hain. जिसमें उन्होंने कहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2r एंड लेस देन 2 टाइम्स कैपिटल r, दिस इज द सिचुएशन। अब जरा सोचिए इस कंडीशन में वह पॉइंट है कहां, वह पार्टिकल है कहां। ग्रेटर देन 2r, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से 2r तो यह पॉइंट हो गया तो इससे तो दूर है। इट्स ग्रेटर देन 2r मींस इससे दूर है। इन लेस देन 2 टाइम्स कैपिटल r, 2 टाइम्स कैपिटल r कहीं इधर है, मतलब वह पार्टिकल कहीं इस जगह पर, दिस इज p2, इस जगह पर कहीं पर पार्टिकल हो सकता है, इसके बीच में कहीं पर भी। अब इस सिचुएशन में फोर्स हमें डिटरमाइन करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिटरमाइन करना है, फोर्स का डायरेक्शन भी डिटरमाइन करना है। वंस अगेन आसान है। वंस अगेन दिस पॉइंट लाए विद इन दिस थिन हॉलो शेल, यह पॉइंट इस थिन हॉलो शेल के अंदर है और थिन हॉलो शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है। मतलब इस थिन हॉलो शेल की वजह से इस पॉइंट P2 पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मगर यह इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है। इस सॉलिड स्फीयर के बाहर होने की वजह से, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पर फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लगेगा एंड दिस फोर्स वुड बी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के बाहर यदि कोई पार्टिकल है तो सबसे पहले उसका डिस्टेंस लिख दूं। डिस्टेंस कितना है जरा देखिए, फ्रॉम हियर टू हियर दिस x, मुझे इसके सेंटर से दूरी देखनी होगी तो x माइनस r कर देता हूं। x माइनस r इज द डिस्टेंस और इस
पूरे पूरे सॉलिड स्फीयर के मास की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, पूरा पूरा सॉलिड स्फीयर इस पर फोर्स एफ लगाएगा। थिन हॉलो स्फीयर की वजह से कोई फोर्स नहीं, मैं उस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं, दैट फोर्स इन दिस केस वुड बी जी, इट्स मास इज स्मॉल एम, एम डैश बाय एक्स माइनस आर होल स्क्वायर, दिस वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन दिस पॉइंट पी टू। पॉइंट पी टू पर जो मास एम डैश रखा गया उस पर इतना फोर्स लगेगा, m is mass of solid sphere, m dash is mass of particle kept at p2, x minus r is the distance of this particle from its center, or hollow, thin hollow sphere ki wajah se koi force nahi. This is the answer for the second part of the problem. And now the third part, the c part. C part mein unhone dikha hai, if x is greater than 2r, x is greater than 2r, iska matlab kya hua? कि वह पार्टिकल इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 2r से ज्यादा दूरी पर है, मतलब अब वह पार्टिकल कहीं पूरे सिस्टम के बाहर है, यह पॉइंट नहीं थी। अब वह थिन हॉलो शेल के भी बाहर है, सॉलिड स्फीयर के भी बाहर है। हम कहेंगे इस केस में तो इस थिन हॉलो शेल की वजह से भी फोर्स लगेगा, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से भी फोर्स लगेगा, और दोनों की ही वजह से जो फोर्स लगना है वह दोनों के सेंटर की तरफ, मतलब फोर्स का डायरेक्शन यह होना है। अब इस फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैंने पहले ही लिख दी है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखने से पहले मैं इन दोनों शेल के सेंटर से दूरी लिख देता हूं। इस सॉलिड स्फीयर से जो दूरी है वह मैं कहूंगा x माइनस स्मॉल r, d1 इज x माइनस स्मॉल r एंड d2 इज x माइनस कैपिटल r। इस बात को समझे, x माइनस स्मॉल r दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर, द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, एंड x माइनस कैपिटल r दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। हमें फोर्स के एक्सप्रेशन में दोनों दूरी लगेंगी। अब हम कहते हैं सॉलिड स्फीयर की वजह से जो फोर्स होएगा दैट वुड बी जी स्मॉल एम, एम डैश अपॉन एक्स माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर, और जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो शेल है, उसकी वजह से जो फोर्स होएगा जी कैपिटल एम, एम डैश अपॉन एक्स माइनस कैपिटल आर। So this force would be G m dash into small m upon x minus r whole square plus capital M upon x minus capital R whole square. This is the force in the three situations. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को, उसके तीन पार्ट को समझो। इस जगह पर हमने जो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला जो कंसेप्ट था उसको हमने रिवाइज करा है, उसको रिकॉल करा है। जो हमने बताया था कि सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे देखते हैं, स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर, थिन हॉलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे देखते हैं, स्फीयर के अंदर स्फीयर के बाहर, वह आर्टिकल का इस जगह पर एप्लीकेशन था। ध्यान से पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद नाउ स्टार्ट रीडिंग थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करवाऊंगा आपसे। नोट इट डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग थर्ड प्रॉब्लम। इस तरह से एक फिगर बना हुआ है वहां पर, यहां सिचुएशन दिख रही है और कुछ ऐसी सिचुएशन। अ थिन स्फेरिकल शेल हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज कट इन टू पार्ट्स
by a plane and kept separated as shown in figure. The point A is at the center of plane section of the first part, and B is at the center of plane section of the second part. इस जगह पर कहीं पॉइंट ए है और इधर पॉइंट बी है. सो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए ड्यू टू द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी ड्यू टू सेकेंड पार्ट. देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, देयर इज अ सिंपल लॉजिक. वह लॉजिक अप्लाई कर देना है और उससे आंसर हमें लिख देना है. देखिए, फॉर अ थिन हॉलो शेल, यदि एक थिन हॉलो शेल है तो हमने यह बात ऑलरेडी सीख रखी है कि इस थिन हॉलो शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है. थिन हॉलो शेल के किसी भी पॉइंट पर, अंदर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो. यह पॉइंट है एट पी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो इनसाइड द शेल. हम कहते हैं यदि इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो इस तरह से, तो अब ये दोनों पार्ट्स कैसे दिखाई देने लगेंगे जरा देखिए. जैसा इनने फिगर ड्रॉ कर रहा है, यह पहला पार्ट और इसका यह दूसरा पार्ट. जिसमें अब इस पॉइंट पी को इस शेल के लिए, सेंटर के लिए ए बोल दिया और इसके लिए बी बोल दिया. अब यह ऐसा दिखने लगेगा. अब जरा सोचिए, इस पार्टिकल पर कोई सा भी मास रखा जाए, तो उस पर, इस पॉइंट पर कोई सा ही मास रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स, टोटल फोर्स जीरो होगा. कैसे? स्फीयर का यह जो पोर्शन है इसकी वजह से, इसके अलग अलग पॉइंट की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा. और स्फीयर का ये जो दूसरा हिस्सा है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा. इस तरह से पॉइंट ए पर इस पोर्शन की वजह से लगने वाला नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा और पॉइंट बी की वजह से लगने, पॉइंट बी पर स्फीयर के इस पोर्शन की वजह से लगने वाला नेट फोर्स इस डायरेक्शन में दिखने लगेगा. रिजल्टिंग फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स, इफ वी एड ऑल द फोर्सेस वेक्टोरिकली. अब यदि पॉइंट पी पर नेट फोर्स जीरो बनाना है, जो कि है, हमने थ्योरी में बात सीख रखी है, तो जरूरी है, द नेसेसरी कंडीशन इज द फोर्स एट ए मस्ट बी इक्वल टू फोर्स एट बी. द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट. पॉइंट ए पर इस पोर्शन की वजह से फोर्स एफ ए इस तरफ, पॉइंट बी की वजह से फोर्स एफ बी, तभी वहां नेट फोर्स जीरो हो पाएगा और ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है. हमें सिर्फ इस लॉजिक के साथ
यह जवाब लिख देना. नाउ स्टार्ट रीडिंग फोर्थ प्रॉब्लम. नाउ लेट्स रीड एंड सॉल्व द फोर्थ प्रॉब्लम. द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इन द रीजन इज गिवन बाय. This is the expression for gravitational potential, 20 newton per kg into x plus y. So that the equation is dimensionally correct. सबसे पहले तो इस equation के dimensional correctness check करनी है. और SI system में यह यूनिट्स लिखे हुए हैं. फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट एक्स एंड वाई. लिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल 500 ग्राम प्लेस्ड एट ओरिजिन. सबसे पहले डायमेंशनल करेक्टनेस हम कैसे चेक करेंगे. हम कहते हैं how do we define gravitational potential. Gravitational potential is potential energy per unit mass. किसी भी point पर unit mass रखा जाए तो उसकी जो potential energy है that is gravitational potential. तो हम एक बात देखें, Newton per kg, 20 न्यूटन पर केजी इंटू एक्स इंटू वाई. तो यह तो हुआ न्यूमेरिक न्यूटन इंटू एक्स प्लस वाई. दिस वुड बी इन मीटर्स पर केजी. एंड न्यूटन इंटू मीटर इज जूल्स पर केजी. और इसी तरह से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करा हुआ है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. तो यह जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिख रहा है यह डायमेंशनली करेक्ट है. कैसे हमने कहा, 20 न्यूटन इंटू एक्स प्लस वाई. 20 न्यूटन से न्यूटन आ गया और एक्स प्लस वाई से मीटर आ गया. न्यूटन इंटू मीटर जूल्स हो गया पर केजी. This is potential energy of unit mass at the point. So this must be in joules per kg. इस तरह से हम dimensional correctness check करेंगे. ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये कैसे हम सोचेंगे इसको समझो. अब ग्रेविटेशनल फील्ड हमने डिफाइन कैसे करा है पोटेंशियल के टर्म्स में. ग्रेविटेशनल फील्ड इज डेल वी बाय डेल आर. ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल फील्ड विथ माइनस. अब इस जगह पर जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्स और वाई का फंक्शन है तो हम क्या कहते हैं. यदि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाए कीपिंग वाई कांस्टेंट, कीपिंग वाई कांस्टेंट, दिस वुड बी ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस. और इसी तरह से यदि इस ग्रेविटेशनल फील्ड को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाए कीपिंग x कांस्टेंट, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग y एक्सिस. मैं इस कंसेप्ट को, इस लॉजिक को इधर अप्लाई करूंगा. मैं ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग x एक्सिस लिख रहा हूं. ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग x एक्सिस लिखने के लिए नाउ I do not mind the units. Right now, मैं units को ज्यादा mind नहीं करता हूं क्योंकि
सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में वैल्यूज दे रखी है, एसआई सिस्टम में यूनिट्स दे रखी है, इसलिए नो नीड टू बॉदर फॉर द यूनिट्स, दे आर परफेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के लिए मैं इस पोटेंशियल फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और वाई को कांस्टेंट रखूंगा। 20 न्यूटन तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, 20 न्यूटन पर केजी कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, 20 न्यूटन पर केजी, यह ऐसा कैसे। अब एक्स प्लस वाई को डिफरेंशिएट करना है मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा, दिस इज ई एक्स। अब ई वाई लिखता हूं मैं, ई वाई लिखते समय 1 + 0 ये कहना चाहिए, ई वाई लिखता हूं, ई वाई लिखते समय मैं इस पोटेंशियल फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और x को कांस्टेंट रखूंगा। 20 न्यूटन पर केजी, यह कांस्टेंट ऐसा कैसे रहा। अब x प्लस y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट रखना है, x कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, y का डिफरेंशियल 1 हो गया, यह EY हो गया। अब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज 20 न्यूटन पर केजी एंड दिस आल्सो 20 न्यूटन पर केजी विथ माइनस साइन, माइनस साइन भी है आगे, आगे माइनस साइन है थ्रू आउट। अब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज ई एक्स इंटू आई कैप प्लस ई वाई इंटू जे कैप। ई एक्स इज ग्रेविटेशनल फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ई वाई इज ग्रेविटेशनल फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ई एक्स इंटू आई कैप प्लस ई वाई इंटू जे कैप प्लस ई जेड इंटू के कैप भी होता है वैसे यदि कोई कंपोनेंट हो, मगर इधर नहीं है। मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं, -20 इंटू आई कैप -20 इंटू जे कैप न्यूटन पर केजी, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट एक्स वाई। अब कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल of mass 500 gram placed at origin. This is the B part. This is the A part. Up. C part के लिए उन्हें कहा है कि 500 grams पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम कहते हैं फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एम इन टू ई, सो फोर्स वुड बी इक्वल टू दिस इज मास इज 0.5 kg and this is -20 I cap -20 J cap Newton per kg. So force on the mass would be equal to kg से kg cancelled, 0.5 into 20 that is -10 I cap -10 J cap Newton. This is force on this mass. The magnitude of force would be under root of -10² + -10² or force is 10 root 2 Newtons. This is the answer to C part. Note it down. Now we'll solve the fifth problem. Go down, Guru. Now read the fifth problem thoroughly. Gravitational field in the region is given by this expression. This is the expression for gravitational field. 2 I cap plus 3 J cap
न्यूटन पर केजी, सो दैट नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन पार्टिकल इज मूव अलोंग द लाइन. सी वाई प्लस 2x इज इक्वल टू. अब देखिए अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. हम सबसे पहले समझ जाएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप. तो किसी भी पार्टिकल पर जिसका मास m है उस पर फोर्स लिखा जा सकता है m इंटू e. मीन्स द फोर्स वुड बी m इंटू 2i प्लस 3j न्यूटन. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स. अब उन्हें कहा है जब इस पार्टिकल को इस लाइन के अलोंग मूव करवाएंगे तो वर्क डन जीरो होएगा. यह प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ द पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग दिस लाइन द वर्क डन इज जीरो. नाउ लेट्स ट्राई टू रिलेट वर्क एंड फोर्स. हाउ डू वी डिफाइन वर्क एंड फोर्स? इस तरह से हमने वर्क के लिए एक्सप्रेशन लिखा है. वर्क इज एफ डॉट एस. अभी जरा हम फिर एक और बार बताएं. इफ वेरिएबल फोर्स, यदि वेरिएबल फोर्स होता है तो हम इसे डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखकर फिर इंटीग्रेट करते हैं. डिफरेंशियल वर्क ड्यूरिंग डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट. इस तरह से लिखें. अब मैं कहता हूं जब पार्टिकल को इस लाइन के अलोंग मूव करवाएंगे सी वाई प्लस 2x इक्वल टू वाई. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट वर्क in this manner. Differential displacement. Differential displacement. dr. Gravitation में मैं displacement को generally r से denote करता हूं. तो differential displacement को dr से denote करूं. अब इस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को dr, ये जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dr है इसे मुझे x y या फिर dx dy के टर्म्स में और i कैप और j कैप के टर्म्स में लिखना चाहिए. मैं इस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dr को इस तरह से लिख सकता हूं. दिस dr इज dx इंटू i कैप प्लस dy into j cap. मैं किसी भी differential displacement dr को ऐसे लिख सकता हूं. dx means along x axis the particle is displaced by dx और x axis के along इसलिए i cap. along y axis it's dy into j cap. I may write dr in this manner. If particle is moved along this line, strictly along this line, then I can relate this dx and dy. मैं dx और dy को relate कर सकता हूं. कैसे? मैं इसे differentiate कर देता हूं. 3 times dy plus 2 times dx is equal to 0. Since 5 is a constant,
यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो थ्री कॉन्स्टेंट है y का हुआ dy, टू कॉन्स्टेंट है x का हुआ dx, फाइव कॉन्स्टेंट है इक्वल टू जीरो. एंड आई मे रीराइट थ्री टाइम्स dy इक्वल टू माइनस टू टाइम्स dx और dy इज इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री ऑफ. मैं dy और dx को इस तरह से रिलेट कर सकता हूं एंड आई मे रीराइट दिस dr. इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dr, जहां हम dr को ऐसे लिख रहे हैं dx इन टू आई कैप, और फिर dy को हम लिख सकते हैं माइनस टू बाय थ्री टाइम्स dx इंटू जे कैप, हम ऐसे लिख सकते हैं. अब फोर्स के लिए एक्सप्रेशन दे रखा है, dr के लिए हमने लिख ही दिया है, तो डिफरेंशियल वर्क लिखते हैं. डिफरेंशियल वर्क इज f डॉट dr, और डिफरेंशियल वर्क इज f की जगह यह एक्सप्रेशन m इंटू टू आई प्लस cj और डॉट dr की जगह पर dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू j कैप. This is the differential work. अभी मैं dy की जगह पर इस तरह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, do not mind that. मैं अब i dot i is 1, i dot j is 0, j dot i is 0, j dot j is 1. So this may be ultimately written as m into 2 times dx. I dot j 0 ho gaya, j dot i 0 ho gaya, j dot j 1 ho gaya, plus 3 dy. I can always write it in this manner. This is the differential work. Up. This differential work is m into 2 dx plus 3 into. अब dy की जगह पर मैं लिख देता हूं 2 by 3 of dx. 2 by 3 of dx with minus. Observe that dw is 0, work is integral of dw, this would always come out to be 0. What we mean to say is, if particle is moved along this line ke along particle ko jab bhi hum move kar rahe hain, to hamesha wahan dw 0 aayega, differential work 0 aayega. और डिफरेंशियल वर्क जीरो आना मतलब थ्रोट वर्क हमेशा जीरो आएगा. मैं एक और बार समझाता हूं कि हमने क्या करा है. ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई मास सिस्टम है उसके लिए यह ग्रेविटेशनल फील्ड है. ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, मींस देयर इज सम फील्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, देयर इज सम फील्ड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस. फील्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 2 न्यूटन पर केजी, फील्ड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस 3 न्यूटन पर केजी. अब फिर उन्होंने पूछा, इफ वी हैव गॉट एनी पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग दिस लाइन, उन्होंने उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी. इफ
any particle is moved along this state time, then work done is always zero. Prove this. Prove करने का तरीका. हम सबसे पहले जब work निकालना है, तो work से related expressions को थोड़ा recall कर लेते हैं. जब work को ऐसे define करते हैं, work is F dot S. Force हमें पता चल जाएगा. और जब line के along move करेंगे, तो particle displace होएगा. तो force और displacement के terms में work को हमने ऐसे define करा. Variable force होता है, तो variable force के लिए हम differential displacement लेते हैं. Differential displacement के दौरान differential work निकालते हैं. और total work निकालने के लिए integrate करते हैं. तो पहले force के expression को लिख दिया, forces m into e, forces m into e. अब कोई सभी differential displacement dr. हम mechanics में generally displacement को s और differential displacement को ds लिखते हैं. मगर gravitation में displacement के लिए generally r denote लिया जाता है. तो हमने differential displacement लिया dr. हम इधर चाहे तो s और ds भी ले सकते थे. No harm. मैंने इधर r dr ले लिया. एक gravitation का एक जो general trend है उसको follow कर. अब जो differential displacement dr है, ये किसी भी direction में हो सकता है. हम अभी ij के terms में बात कर रहे हैं, xy के terms में बात कर रहे हैं. मतलब हम जो पार्टिकल को मूव कराएंगे, यह x एक्सिस और यह y एक्सिस, हम पार्टिकल को dr से इधर डिस्प्लेस करवा रहे हैं. तो इसका कुछ x कंपोनेंट भी होगा, इसका कुछ y कंपोनेंट भी होगा. जो x कंपोनेंट है दैट इज dx, जो y कंपोनेंट है दैट इज dy. सो आई मे ऑलवेज राइट dr इज dx into i cap, तो dy into j. मैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट को जनरलाइज तरीके से, जो डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, उसको जनरलाइज तरीके से हमेशा ऐसे लिख सकता हूं. दिस मे ऑलवेज बी रिटन, इट मे बी ऑलवेज रिटन इन दिस मैनर. यदि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमेशा ही कभी भी लिखा जा सकता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका कुछ x के अलोंग कंपोनेंट होगा और कुछ y के अलोंग कंपोनेंट होगा. तो dx into i cap, dy into j cap. अब यह एक स्पेशल सिचुएशन है जो कि हम इस प्रॉब्लम के लिए लिख सकते हैं. जैसा हमने कहा है, इफ पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल को इस स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, तो मैं इस स्ट्रेट लाइन को लेकर चलना होगा. और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 3dy plus 2dx, और यह एक रिलेशनशिप लिख सकेंगे और dr को ऐसे लिख सकेंगे. ये इस प्रॉब्लम के लिए हम इस काम को कर सकते हैं जब पार्टिकल को इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. नाउ वंस अगेन अ जनरलाइज्ड डेफिनेशन, डिफरेंशियल वर्क इज एफ डॉट dr. जैसे इधर एफ डॉट ds लिखा, इधर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dr लिखा, तो वर्क हुआ एफ डॉट dr. dw इज f की जगह f का एक्सप्रेशन, dr की जगह dr का एक्सप्रेशन, वो डॉट प्रोडक्ट कर दिया, i डॉट i1, j डॉट j1, और इस तरह से डिफरेंशियल वर्क हो गया. नाउ दिस इज अ जनरलाइज्ड कांसेप्ट टू डिटरमाइन वर्क. अब हमने dx और dy में जो इधर रिलेशनशिप ऑब्टेन करा था, वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया और dw को जीरो प्रूव कर दिया. दिस मैनर विल प्रूव दैट वर्क अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन इज जीरो. Note it down. Now we'll solve ninth problem.